हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्यूटोरियल बाबा। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड पॉलिटी क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम फर्स्ट 50 क्वेश्चंस करेंगे, पार्ट टू कल आएगा जिसमें हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए पहले ही बेल आइकन दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो में SSC 2019 RRB NTPC और EPFO से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसकी आपको PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं अपने। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज के हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मैंशनड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। के फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कितनी है? तो इसका आंसर क्या है? 11। कितनी ड्यूटीज़ है हमारे फंडामेंटल? 11 ड्यूटीज़ है। और ये ऐड कब करी गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? ये ऐड हुई थी 42nd अमेंडमेंट 1976। कब ऐड हुई थी ये? 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड हुई थी। और ये कौन से आर्टिकल में ऐड हुई थी? तो ये आर्टिकल था हमारा 51A आर्टिकल में ऐड हुई थी। तो जब ये ऐड हुई थी उस टाइम पे ये हमारी 10 थी, फंडामेंटल ड्यूटी जब ऐड हुई थी वो 10 थी। तो जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी वो कब ऐड हुई थी? ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो वो ऐड हुई थी 86th अमेंडमेंट 2002 में ऐड हुई थी। कौन सी? 11th। तो इस एक क्वेश्चन से हमने चार क्वेश्चन किए, कौन कौन से? कि हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मैंशनड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कितनी है? 11 है। ये ऐड कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये ऐड हुई थी 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कौन से आर्टिकल में ऐड हुई थी? 51A। और थर्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे एक्स्ट्रा, के जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी ये वाली, ये कब ऐड हुई थी? तो ये ऐड हुई थी 86th अमेंडमेंट 2002 के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितनी है? 5 है। 5 टाइप ऑफ रिट्स आर देयर। क्या क्या नाम है उनका? हीबस कॉपस, मैंडेमस और सेंटियोररी, प्रोहिबिशन और फिफ्थ है कुओ वारंटो, ठीक है। ये पांच हमारी कौन कौन सी रिट्स है? ये वाली 5 रिट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज आर मेड बाय, कौन अपॉइंट करता है ऑल इंडिया सर्विसेज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? प्रेसिडेंट। बी ऑप्शन इसका आंसर है। प्रेसिडेंट जो है हमारा वो अपॉइंट करता है, अपॉइंटमेंट्स किस करता है? ऑल इंडिया सर्विसेज की करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हु इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर इंटरप्रेटिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप जनरल सेंस में देखोगे हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसकी फाइनल अथॉरिटी इंटरप्रेट करने की किसके पास होनी चाहिए? पार्लियामेंट? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये हो सकता है सोचते हैं। प्रेजिडेंट? नहीं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इन दोनों में कौन होगा? जो हमारी फाइनल जो इंटरप्रेटिंग है वो हमारा कौन कर सकता है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है सिर्फ, जो फाइनल अथॉरिटी है, जिस पे सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? वो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ का। जब भी ये किसी भी कोर्ट में रिप्रेजेंट हो सकता है किसी भी टाइम पर किसी भी केस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, द रेसिड्यूरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट विद, कि जो रेसिड्यूरी पावर है, ठीक है, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसके पास है? पार्लियामेंट के पास होती है, ठीक है ना, पार्लियामेंट। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज कम्स अंडर, जो हमारी राइट है टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वो कौन से राइट, कौन से किसके अंदर आता है? लीगल राइट्स के अंदर आता है? नहीं, ह्यूमन राइट्स के अंदर भी नहीं आता, नेचुरल फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और ये कौन से पार्ट, ये क्वेश्चन और आता है ऐसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कौन से पार्ट में, तो ये पार्ट 3 में हमारी फंडामेंटल राइट्स जो है कौन से है? पार्ट 3 में है। फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आते हैं? पार्ट 3 में, ठीक है। द प्रेजिडेंट कैन डिसमिस अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो प्रेजिडेंट है वो किसी भी मेंबर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कैसे, किस, कब डिसमिस कर सकता है? विद द कंसेंट ऑफ द स्पीकर,
ओनली अंडर एमरजेंसी कंडीशंस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑन हिज ओन, कि अपने आप में कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन से करेगा, एमरजेंसी की कंडीशन में करेगा और स्पीकर के कंसेंट के साथ, मतलब स्पीकर के सहमति से, सहमति के साथ करेगा. तो इसका आंसर है सी, ऑन द रिकमेंडेशन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे वो किसी भी मेंबर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसमिस कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल और आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी, कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जिसको हम एमरजेंसी में भी डिसमिस नहीं कर सकते, मतलब एमरजेंसी में हमारे जितने भी राइट्स हैं वो सारे हमसे छीन ले जाते हैं, पर इनमें से ऐसा कौन सा राइट है जो हमसे नहीं छीन सकता कोई, तो हमारा राइट कौन सा है, वो हमारा राइट है आर्टिकल नंबर 21. ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 ये हमारा राइट है. तो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट एंड रिमूव्स जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कि इनमें से कौन जो है इलेक्ट्स प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करता है, वाइस प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करता है एंड जजेस को भी रिमूव कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, तो ऐसा कौन सा है, कौन कर सकता है ऐसा, वो कर सकता है हमारा लोकसभा. लोकसभा जो है प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करते हैं, लोकसभा के मेंबर्स वाइस प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करते हैं और उनके पास ये वाली पावर भी है कि वो किसी जजेस को सुप्रीम कोर्ट के रिमूव कर सकते हैं, हाई कोर्ट के भी. ठीक है, मतलब थ्रू अ पोल दे कैन डू डैट. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट, इसका मतलब क्या है कि डैश कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट, के ऐसा क्या है जो यूनियन पार्लियामेंट को पावर देता है टू मेक द लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडिंग इन द स्टेट्स, ऐसा कौन सा इसमें से वो है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देती है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस देता है, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और राज्यसभा, इसका आंसर है राज्यसभा. ठीक है, राज्यसभा जो है यूनियन पार्लियामेंट को पावर देती है टू मेक लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडिंग इन द स्टेट लिस्ट, के स्टेट लिस्ट में जितने ही मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा के डैश इज इशूड वेन द कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी देयर बाय इज इन्फ्रिंजिंग ऑन द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, के इनमें से कौन सी जो रिट है वो इशू हो सकती है जब कोर्ट को पता लगता है कि एक पर्टिकुलर ऑफिस जिसको काम करना चाहिए, जो उसकी लीगल ड्यूटी है और वो सही से उसको पूरी नहीं कर रहा, तो ऐसे में कौन सा लगता है उस पर रिट इशू होती है, मैंडेमस इशू होता है. ठीक है, मैंडेमस, ऐसे में कौन सी इशू होती है, मैंडेमस इशू होती है. ठीक है, और मैंडेमस का मतलब क्या होता है, वी कमांड और ऑर्डर, कि हम कमांड करते हैं आपको, मतलब कोर्ट जो है उस ऑफिस को कमांड करता है कि तुम्हें अपनी ड्यूटी सही से फॉलो करनी है. विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को इंक्लूड करता है, तो वो कौन सा है, हमारा राइट ऑफ इक्वालिटी. राइट ऑफ इक्वालिटी के अंदर आता है ये हमारा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड यूनियंस इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो हमारे उसमें तीन लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, तो ट्रेड यूनियन इन तीनों में से कौन सी लिस्ट में आता है, ग्लोबल, ऐसी कोई लिस्ट नहीं होती ग्लोबल लिस्ट, तो इन तीनों लिस्ट में से किसी एक लिस्ट में आएगा ये वाला, तो वो है कॉन्करेंट लिस्ट. ट्रेड यूनियंस किस में आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में. ट्रेड यूनियन किस में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन द ईयर, कौन से ईयर में फाउंड हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वो फाउंड हुई थी हमारी 1946 के अंदर. ठीक है, 1946 में. और फर्स्ट ये क्वेश्चन और बनता है इससे रिलेटेड कि हमारा जो फर्स्ट प्रपोज किसने किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, फर्स्ट प्रपोज्ड बाय हुम और कब, ये भी आता कब और विद, मतलब बाय हुम, कि किसने किसने प्रपोज किया था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए इंडिया की, और कब कहा था, तो 1934 में कहा था, किसने, एम एन रॉय. ठीक है, इन्होंने कहा था 1934 के अंदर. विच आर्टिकल कैन बी यूज बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू डिक्लेयर एमरजेंसी, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा आर्टिकल है इसमें से कि जो एमरजेंसी में प्रेसिडेंट यूज़ कर सकता है फाइनेंशियल एमरजेंसी इशू करने के लिए, तो वो आर्टिकल है 360. और एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी एमरजेंसी है जो आज तक नहीं लगी, तो वो कौन सी है, हमारी फाइनेंशियल एमरजेंसी है जो हमारी आज तक नहीं लगी है,
और वो आर्टिकल कौन सा है हमारा 360. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल वॉज रेफर टू एज द हर्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. तो बी आर अम्बेडकर ने हमारा कौन से आर्टिकल कहा था कि ये हर्ट एंड सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो कौन सा था, आर्टिकल 32. ठीक है, ये आर्टिकल था हमारा जिसको हमने इस, और ये आर्टिकल क्या था, ये है राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. और ये क्या करता है, हमें रिट इश्यू करने की पावर देता है कि हम कोई भी एक रिट इश्यू कर सकते हैं और उससे हमारे क्या है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको प्रोटेक्शन मिलती है इससे, आर्टिकल 32 से. ठीक है. विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 to 62 years. ऐसा कौन सा अमेंडमेंट था, कौन सा अमेंडमेंट था जिसने जो हाई कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट एज थी वो 60 से 62 कर दी थी. तो हमारा कौन सा अमेंडमेंट था, वो 15th अमेंडमेंट ने हमारे हाई कोर्ट जजेस की जो एज थी वो 60 से 62 कर दी थी. हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कितनी बार इलेक्ट कर सकते हैं हम प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को, एक एक इंसान को, तो उस पर कोई बार नहीं है, जितनी मर्जी बार बन सकता है वो प्रेजिडेंट चाहे तो. हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड कौन से होते हैं जो एमरजेंसी फंड होते हैं, तो उसका कस्टोडियन कौन है हमारा, तो उसका कस्टोडियन हमारे प्रेजिडेंट होते हैं. ठीक है, और ये किस आर्टिकल के तहत कस्टोडियन बनते हैं हमारे कंटिजेंसी फंड के, आर्टिकल 267 में ऐसा लिखा गया है. ठीक है. इंडिया हैज़ टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो हमने जुडिशियल रिव्यू लिया है ये कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये हमने लिया है यूएसए के. सीएजी विच इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल के लिए अपॉइंट करते हैं हम इसको, 6 साल के लिए. ठीक है, 6 साल के लिए अपॉइंट करते हैं हम सीएजी को. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था कि 42nd अमेंडमेंट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये है हमारा 42nd अमेंडमेंट, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था और एक अब लगा था 1976 में आया था 42nd अमेंडमेंट जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. ठीक है. हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो कितने नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, 12 मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. अंडर विच आर्टिकल प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी, तो किस आर्टिकल के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी है वो प्रेजिडेंट लगा सकते हैं, तो वो है आर्टिकल 356. और आर्टिकल 360 किसके लिए होता है, फाइनेंशियल एमरजेंसी के लिए. ठीक है, ये किसके लिए होता है, फाइनेंशियल के लिए, और ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द कंट्री, के जो भी दोनों हाउसेज हमारे लोकसभा और राज्यसभा, इनमें से कौन उन दोनों का ही मेंबर नहीं होता, तो कौन है वो, प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट हमारा ना राज्यसभा का मेंबर होता है ना लोकसभा का मेंबर होता है. ठीक है, ना राज्यसभा और ना ही लोकसभा. ठीक है. व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग अ गवर्नर ऑफ द स्टेट इन इंडिया, इसका मतलब ये है कि गवर्नर बनने के लिए हमारी मिनिमम एज कौन सी होती है एक स्टेट के अंदर, वो हमारी मिनिमम एज है 35 years. और एक गवर्नर का टर्म कितना होता है, 5 years का टर्म होता है. ठीक है, 5 years का होता है टर्म हमारा एक गवर्नर का. नेक्स्ट क्या है, हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया, गवर्नर कौन हमारा अपॉइंट करता है, वो करता है हमारा प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को स्टेट में किसी. फंडामेंटल ड्यूटीज आर मैंशनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कौन से पार्ट में अपॉइंट, कौन से पार्ट में मैंशनड है, वो है पार्ट 4A में मैंशनड है, और आर्टिकल 51A. ठीक है.
एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंटी डिफेक्शन लॉ जो है हमारे कौन से शेड्यूल में है, वो है हमारे 10th शेड्यूल में. और ये 10th शेड्यूल आया कब था, 52nd अमेंडमेंट में. ठीक है, 52nd अमेंडमेंट इसमें आया था हमारा ये एंटी डिफेक्शन लॉ. हु अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया. हमारे जो इंडिया का एग्जीक्यूटिव हेड किसको बोलते हैं, हम प्रेसिडेंट को बोलते हैं. प्रेसिडेंट को हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ सुप्रीम कमांड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ सुप्रीम कमांड ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्सेज. के इंडियन डिफेंस फोर्सेज का सुप्रीम कमांड किसको है, प्रेसिडेंट के पास है. ठीक है, प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कमांडर होता है हमारे इंडियन फोर्सेज का, तीनों फोर्सेज का. हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ लेने जाते हैं तो उनको कौन एडमिनिस्टर करता है, वो करते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे तो कौन करेगा, फिर करेगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री. कि जो हमारा प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का मेथड है वो हमने किस कंट्री से लिया है, तो हमने लिया है किससे, आयरलैंड से लिया है. ठीक है, आयरलैंड से. आयरलैंड से हमने क्या लिया है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का मेथड लिया है. पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विच विद ऑफ द फॉलोइंग. पार्ट फोर किससे हमारा डील करता है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी. ठीक है, इससे हमारा कौन सा पार्ट फोर करता है. पार्ट ए अगर हम बोले कि पार्ट वन किससे करता है, तो पार्ट वन में हमारा आता है यूनियन. ये हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ लेते हैं थोड़े थोड़े. यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. ठीक है, पार्ट फोर ए हमने पढ़ा था. पार्ट फोर ए में कौन होता है, वो हमारी आती है फंडामेंटल ड्यूटीज. पार्ट थ्री में हमारे क्या आता है, पार्ट थ्री में हमारे आते हैं फंडामेंटल राइट्स. एक पार्ट नाइन बहुत आता है क्योंकि उसमें पंचायत आई थी. पार्ट नाइन में क्या आया था, पंचायत आई थी हमारी. पार्ट टेन हमने अभी पढ़ा है जिसमें हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ आया था पिछले क्वेश्चन में, एंटी डिफेक्शन. ठीक है, और एक पार्ट नाइन ए में आया था एमसीडी, द म्यूनसिपालिटीज, मतलब वो म्यूनसिपालिटीज आई थी. ठीक है ना, एमसीडी म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली हो गया, पर म्यूनसिपालिटी हमारी कब आई थी, वो आई थी नाइन ए में. तो ऐसे रखना कि नाइन में पंचायत आई थी, फिर नाइन ए में क्या था, म्यूनसिपालिटी, और टेन क्या था, एंटी डिफेक्शन लॉ. Which of the given legislation gives constitutional status to the three-tier panchayat raj system? अब ये पूछ रहा है कि जो हमारा किस amendment के अंदर हमारा पंचायती राज सिस्टम आया था. सिंपल इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, तो वो किस में आया था हमारे 73rd में. 73rd constitutional amendment 1993 के अंदर ये हमारा आया था पंचायती राज. How does the Constitution of India describe India as? Constitution of India हमारे इंडिया को कैसे डिस्क्राइब करता है, वो बोलता है a union of states. कि हमारा जो इंडिया है वो different states का union करके बना है. ठीक है, कि different states हैं उनके union से हमारा जो है इंडिया बना है. The first state in India to implement पंचायती राज system was, कि इंडिया का जो first state था वो कौन था जिसने पंचायती राज system implement किया था, तो वो था हमारा राजस्थान. ठीक है, राजस्थान ने हमारा जो है फर्स्ट इंप्लीमेंट किया था वो. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कॉल फॉर जॉइंट सिटिंग फॉर बोथ हाउसेस. के हमारे जो ऐसा आर्टिकल कौन सा है जो प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो दोनों हाउसेस की जॉइंट मीटिंग बुला सकता है, तो वो आर्टिकल है 108. के 108 आर्टिकल में क्या लिखा है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो राज्यसभा और लोकसभा की एक जॉइंट मीटिंग बुला सकता है, राज्यसभा और लोकसभा की. ठीक है, जॉइंट मीटिंग. Which among the given exercise the most profound influence in framing the Indian Constitution? कि इन सब में सबसे ज़्यादा influence किसने किया था हमारे Indian Constitution को, तो वो किया था हमारे Government of India Act 1935 में जो आया था, इसने बहुत ज़्यादा influence किया था. मतलब हमारा जो starting का जो Constitution था without any amendments, तो mostly इसी पर based था, उसमें changes किए गए थे. Under which article the Council of Ministers collectively responsible टू द पार्लियामेंट. के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के लिए, तो ऐसा किस आर्टिकल में लिखा है, तो हमारा किस में लिखा है 75 सी आर्टिकल में लिखा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के लिए. हु अमंग द फॉलोइंग वाज़ चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये लगभग सब बच्चों को पता होगा, तो इसका आंसर है हमारा बी आर अम्बेडकर. कि बी आर अम्बेडकर जो थे हमारे वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के.
फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ फेडरेशन वॉज बोरोड वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री मतलब किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोविजन ऑफ फेडरेशन लिया है हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए तो हमने किससे लिया है वो कैनेडा से लिया है फेडरेशन प्रोविजन ऑफ फेडरेशन ठीक है वॉट इज़ द मिनिमम एज फॉर बींग इलेक्टेड द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के प्रेजिडेंट बनने की जो इंडिया में मिनिमम एज है वो क्या है हमारी 35 ईयर्स के 35 ईयर्स मिनिमम एज है प्रेजिडेंट बनने की हु अपॉइंट्स द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन अपॉइंट करता है प्रेजिडेंट अपॉइंट करता है पता ही नहीं हु इज द हाइएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट के हाइएस्ट सिविल सर्वेंट कौन है हमारे यूनियन गवर्नमेंट का तो वो हमारे हैं कैबिनेट सेक्रेटरी हाइएस्ट सिविल सर्वेंट होते हैं ठीक है यूनियन गवर्नमेंट के कैबिनेट सेक्रेटरी व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा हेल्ड फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुए थे लोकसभा हेल्ड जब हुए थे हमारे उनके तो वो हुए थे 1951 से 1952 के बीच ठीक है हमारे फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन हुए थे वो हुए थे फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर एवरी ईयर कि कितने साल बाद हमारे जो फाइनेंस कमीशन है वो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट हर 6 साल बाद एक नई फाइनेंस कमीशन अपॉइंट होती है बाय द प्रेसिडेंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू ऑडियंस इन विच कोर्ट कि मतलब किस कोर्ट में हमारा जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो जा सकते हैं हैज़ अ राइट टू ऑडियंस तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सेशन कोर्ट और एनी कोर्ट तो इसका आंसर है एनी कोर्ट वो किसी भी कोर्ट में अपने जो है राइट टू ऑडियंस रखते हैं वो किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं तो हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और नेक्स्ट पार्ट हम कल अपलोड करेंगे बाय नाइट तो वो हो जाएगी तो आप सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन दबा देना तो उससे क्या होगा कि आपको जब भी नेक्स्ट वीडियो हमारी ये वाली आएगी से कल आएगी उसके बाद और भी हम सारी सारी ज्योमेट्री की और ज्योग्राफी की सारी वीडियोज़ हम लाने वाले हैं एक करके तो वो सारी वीडियोज़ देखना तो अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए उन वीडियोस की आती तो बेल आइकन दबाना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करना और अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो वो लाइक मतलब कमेंट करके बता देना ताकि हम उस चीज़ को इम्प्रूव करें और ज़्यादा और आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाए थैंक यू